बस एक स्टेप की देरी है। थोड़ी क्या है? गर्मी फैल गई पूरे शरीर में। हम तो कहते हैं कि आप लोग नंगे हो के। फट जाएगी। Do you have any pen or something? Nothing. मैं वही रात को देख रहा था। 2:37 और फिलहाल हम 1 बजे से उठे हुए हैं और कॉल अभी हमें आ चुका है जाने का। डिंगी तुझे। Excited? नहीं है साइड। चीख ना, चीख। लगा ले कि इसको उखाड़ना। So, hello everyone. ये ब्रेकफास्ट का टाइम है। 3 बज चुके हैं। मैंने डबल ग्लव्स, डबल कैपिंग, कम से कम 4 लेयर्स मैंने पहनी हुई है। वार्मर, ऊपर एक टी शर्ट, देन ऊपर एक स्वेट शर्ट, देन उसके ऊपर एक जैकेट और शायद 500 पहनना पड़ेगा। सुन रहे होगे? तो ये बस शुरू हो चुके हैं अलग अलग कैंप्स में सब कुछ। अभी बस हम ब्रेकफास्ट करके चाय वानी जो भी हमें मिलेगा ये खाने के बाद अभी हम भी निकलेंगे फटाफट। तो आगे सारे कुछ नहीं पता, शायद चाय है, दलिया टाइप है कुछ और हेल्दी हेल्दी है। हमें रस्ते के लिए एक फ्रूटी एप्पी कह लो एंड साथ में एक चॉकलेट देते हैं बिकॉज ट्रैकिंग के टाइम, सिर्फ यही वाला ट्रैक नहीं, जितने भी ट्रैक होते हैं, तो एनर्जी के लिए हमें जूस या फिर चॉकलेट, आइसक्रीम, आइसक्रीम कह रहा हूँ, चॉकलेट हमें चाहिए होती है। चलो बच्चों चीजी ले लो, बर्थडे मेरा आज। मौसम बहुत प्यारा हो गया पर गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है अब, बट कपड़े उतार नहीं सकते वरना सर गर्म हो जाएंगे। मंचूरियन गैंग इन द हाउस। हाँ कितने बजे उठे तुम? 8 बजे कुछ। तुम ही लोग तो चिल्ला रहे थे ना ऊपर। अच्छा चलोगे ना ऊपर? मना कर रहे थे अभी आप। चलता तो रही है, अकेले जाने की इसकी हिम्मत है नहीं। वो चुपचाप या तो यहाँ तो बैठ जाएगा, उसमें बोर्ड होगा, उससे बढ़िया ऊपर चलता है। नीचे जाने का रास्ता ही अलग है। अरे देवेंद्र भाई ये बंदा मस्त है यार। रास्ते में गर्मी लगेगी, यहाँ पर रुकोगे कैंप साइड पे ठंड लगेगी। तो जो भी एपी एपी देते हैं, चॉकलेट देते हैं, पी लो, खा लो, पानी पी लो, फिर आगे चलो। No seriously. No. All of a sudden I can't start it. Okay. I just start. तो अभी actually ना मैं और आदर्श मैं actually बीच में अकेला रह गया था and आदर्श भी। तो मैं यहाँ पर अपने आप से बात कर रहा था कि you know I can innovate कि मैं इतना दूर आया हूँ कि आगे चलना है। एंड सेम विद आदर्श एज़ वेल। इसको तो इनफैक्ट पहला ट्रैक है अभी। अगर आप जब भी ऐसे ट्रैक पे आते हैं, कोई अगर नहीं है आपके साथ में, बिकॉज हर किसी की स्पीड आपकी जैसी नहीं है और हर कोई आपकी तरह नहीं चलने वाला या फिर आप उनकी तरह नहीं चलने वाले, तो अगर आप अकेले रह भी जाते हैं तो इट्स बेटर टू मोटिवेट योर सेल्फ, बिकॉज इतनी दूर आने के बाद अगर आप रुक जाओगे देन देर इज नो पॉइंट। इनफैक्ट अभी जो टफनेस है वो अब शुरू होगी असली। तो ये छोटा सा है इधर से निकलोगे ना। और इसी तरह हम लोग आखिरी ये चढ़ाई समिट की, बहुत ही सुंदर नजारे ऊपर दिखने है वाले हैं आपको। दिल थाम के बैठिए, मैं और बब्बन भाई, आर यू एक्साइटेड? नहीं। Come on! जीवी जीवी जीली जीली धूम धड़ाका। और मुझे घंटा आइडिया नहीं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। अच्छा चलते रहो। तो ये जो भी आपको लाइट दिख रही है ये सब इंसान है। और भाई अभी फिलहाल जो स्नो है बहुत ज़रा सॉफ्ट हो रही है, पैर लिटरली अंदर धस रहा है। चलो दिस इज व्हाट आई साइंड फॉर। पर अभी भी दूर है, अभी हमने वो ऊपर जाना है। जितना हमने डिस्कवरी पर देखा ना बचपन में, हम वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं। और हवा यहाँ पर बहुत ज्यादा और बहुत ज्यादा ठंडी है। यहाँ पर छोटी छोटी बर्ड्स भी हैं। अरे भैया
जुबिन भाई जितना मर्जी पीछे चले सबसे पहले आके बैठ जाएंगे। अरे दो मिनट रुको, व्यू बहुत शानदार है यार, ये देखो भाई ये रिस्की है। अब यहाँ तक तो आया हूँ, दिखा भी देता हूँ, मैंने भी कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। ये देखो पूरी आइस, हाँ तू इतनी ऊपर क्या आया करने, बोल ना बोल, नाम तो बता दे। ओए नहीं चलो शाबाश, बस कुछ खत्म और मैं तो पहुंच गया, बाकी जनता कहाँ है, ऊपर आई भी है, मंचूरियन गैंग भी नहीं दिखी। हाँ भाई हवा हद से ज्यादा तेज है, इसलिए जिस नाम हो चुका मेरा फेस और प्रॉपरली कुछ बोला भी नहीं जा रहा। चलो ये भी अभी फिलहाल बस यहाँ से वापिस जा रहे हैं, बिकॉज गाइड भाई बोल रहे हैं रिस्की हो जाएगा अगर हम ज़्यादा देर यहाँ पर रुके, हाथ ऑलरेडी हमारे फ्रीज हो रहे हैं, बोला नहीं जा रहा क्लियरली, तो इसलिए कि वापिस चलते ज़्यादा बेटर है क्योंकि इसके बाद जुड़ा का तालाब भी जाना है। तो ये केदारनाथ का भी हो केदारनाथ केदारकंठा हो गया, अभी फिलहाल यहाँ से नीचे चलते हैं, जो था जितना था सही था। मैंने अभी तक जितने भी व्लॉग्स देखे हैं केदारकंठा के, एक चीज मैंने नहीं देखी एंड आई थिंक बहुत कम होगी जिसने देखी होगी, तो वो है शिव जी का मंदिर। शिव जी का भी नहीं है, यहाँ पर लिखा हुआ है जय श्री नेहरू महाराज केदारकंठा, एंड एक छोटा सा शंख है यहाँ पर, और ये नो डाउट गणेश जी हैं, फॉर श्योर गणेश जी ही हैं ये पक्का। सुबह जिस रास्ते से लेकर आए थे वो इतना टफ था, पर आई थिंक वो फोर्थ भी था कि जैसे जैसे ऊपर जा रहे थे वैसे वैसे मज़े आ रहे थे, एंड अभी फिलहाल उतरना तो काफ़ी ज़्यादा इजी है, बट स्टिल इट्स रिस्की कि ज़्यादा जोर से ना चला जाए, और अभी ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है, हाथ और पैर दोनों नम हो चुके हैं। तो अगर केदारकंठा का ट्रैक करता है तो लेयरिंग ज़रूर पहनना, सुबह पहले मेरे को लगा कि मैंने गलती करती पहन के लेयरिंग, बट जैसे जैसे ऊपर आता रहा वैसे वैसे लगता रहा कि मैंने सही डिसीजन लिया। वैसे अभी भी क्लियरली बोला नहीं जा रहा, मेरे लिप्स मेरी आधी टंग भी नम हो चुकी है। हेलो भाई अब जरा स्लाइड की जाए, पर डिसएडवांटेजेस कि रिकॉर्ड कोई नहीं कर पाएगा। I've taken Malia with join your YouTube channel. Okay, you also have a YouTube channel? Yes. So, what's your name? What's your name? I'm Shakira. Shakira? Call me Shaki. Shaki? Okay. Okay. I'm from... I'm Shaki. I'm from Kerala. Solo traveler. Solo. Okay. Take this you one. Go. Okay. You will? Okay. Okay. Pair upar, pair upar, legs upar. Are yaar. मैंने स्लाइड कर लिया, रिकॉर्ड ही नहीं कर पाया, अब फिर सारा ऊपर जाना पड़ेगा, बहुत ऊपर है ये। ओके ओ भाई भाई पूरा बर्फ में जा रहा है पैर, अभी स्लाइड एक और आने वाली है,
फिर से अरे 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 सॉरी ओके दिस वॉज नॉट एक्सपेक्टेड लाइक एट ऑल यू ओके ओ भाई साहब भाई बहुत मजे आ रहे हैं बहुत सही मजे आ रहे हैं मैं बता नहीं सकता ओके रुकना बहुत मुश्किल है Now you do. अभी जस्ट हमने यहाँ कैंप पीछे छोड़ा है जहाँ पर सुबह हम रुके थे एपी पीने के लिए और अभी फिलहाल अभी 2 किलोमीटर और चलना है और अभी सिर्फ मैं शाकिया एंड देन दैट गाय आई टोटली फॉरगॉट हिज नेम बट ही इज फ्रॉम बैंगलोर सो बस अभी यही सब बिकॉज अभी पैर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहे हैं दो वुलन सॉक्स पहनने के बाद पैर काफ़ी टाइट हो जाता है तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा जाने में बाकी आई गेस आई नीड मैंने अच्छे दोस्त बना लिए इस ट्रिप पे द मंचूरियन गैंग उसके बाद स्नेहा फ्रॉम गुजरात एंड उसके बाद ये शीज फ्रॉम केरला शाकिया मैं फाइनली बेस कैंप पे तो आ चुका हूँ पर मेरे को अपने कैंप साइट पे जाने के लिए एक और ट्रैक करना पड़ेगा जो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिंग हो रहा है बिकॉज मेरी टांगें लिटरली कांप रही हैं अभी बहुत ज़्यादा चल रही है सुबह से चल रहा है 2 बजे के उठे 3:30 बजे से चल रहे हैं एंड अभी फिर से चल रहे हैं मैं अपने कैंप पे पहुंच चुका हूँ और मेरे को ऐसा लगता है कि सिर्फ मैं ही हूँ जो पहुंचा अभी सबसे पहले और ज़्यादा आराम करते हैं क्योंकि तो अभी थोड़ा आराम करते हैं फिर आपसे मिलता हूँ थोड़ी देर तक ठीक है देख ले खुद देख ले खुद आई डोंट हैव दैट मच मैं ये रहा अभी फिलहाल मौसम बहुत ज़्यादा खराब हो गया आराम तो कर लिया बट अभी हवा चल रही है ना तो इस चक्कर में कैप एंड जैकेट बिल्कुल भी नहीं उतार सकते हैं खाना भी लग चुका है खाने में क्या है आज बिरयानी है और क्या है सवैया पुलाव कह ले बिरयानी पुलाव से बढ़िया बने पर इसमें हद से ज़्यादा मटर डाले हुए हैं और मेरे को मटर पसंद नहीं है तो मेरी मम्मी अभी बड़ा खुश हो रही है कि मेरा बेटा बाहर जाके सब्जियाँ खाता है तो क्या करूँ मम्मी अभी ऑप्शन नहीं है मेरे पास कुछ खाने के लिए तो खाना पड़ता है और बाहर जाके खाना पड़ता है यार सब कुछ खाना पड़ता है बहुत बटर है यार पता नहीं कैसे खाऊंगा अंदर मंगा लूंगा चलो चलो तो बेस कैंप से हम लेंगे विदाई और हम जाएंगे जुड़ा के तवाब में जहाँ पर ये सब हो जाएंगे जुदा भाई मार्क कर ले जगह जो केदारकंठा के ट्रैक पे आ रहा है ये एक जगह जहाँ पर तुम्हें सिग्नल मिलने वाला है ढंग से उसके बाद नहीं मिलेगा कमिंग थ्रू कितना मुश्किल काम है यार लोगों के बैग भी ऊपर जा रहे हैं टिंडर्स ऑनियंस सब कुछ या चैनल का नाम याद है ही नहीं मैं कैसे बता दूं नहीं नहीं याद है नंबर शेयर किया था भाई नंबर शेयर किया था नाम पता है चैनल नहीं पता क्या बाहर तो बाग में आएगा ना दिल में छप गया होगा वो तो नाम यूट्यूब का बता पागल लोग नहीं है इसको मत बताना ये हाय मैसेज कर देते हैं अरे अच्छा ये होता है ब्लॉगिंग में वो पड़ेगा वो वीडियो कौन सा कमेंट तो पड़ेगा ना भाई साथ में पड़ेगा ना वो वाला तो उसने अपने चैनल में डाल दिया मैंने देख लिया जाएगा बस सारी लड़की क्या मिली पीछे पड़ गए बात तो यही है कि 9 लोगों में आप ही तो किस्मत तो मेरे को पहले भी रुकना था भाई समझो इस बात को अकेले निकल गए आई नीचे जाएगा फिर ऊपर आएगा हमने सिर्फ 40 मिनट पूरा रास्ता कवर कर लिया बेस कैंप से जुड़ा और 40 मिनट लगे कैसा रहा ट्रैक बढ़िया चलो बधाई आपको मेरा नाम भगत सिंह रावत है हिमालयन हैकर्स का ओनर हूँ मैं हरे हेलो हेलो सर आप 9 लोगों की टीम थी हाँ जी आप क्या बोल रहे कि मैं आज जुड़ा में रुकूंगा हाँ मैंने एक्चुअली 5 कोई दिक्कत नहीं है जुड़ा का तालाब देखा जाए तो बहुत साफ हो चुका है काफी ज्यादा मेरा ही नाम रखना रात को अगर सियारा जाए तो
कैंप के अंदर ही स्लीपिंग बैग में सोए रहना, स्लीपिंग बैग में सोए रहना, बाहर निकले फट जाएगी फिर भी तो सिल नहीं कोई पाएगा, क्योंकि हैं आप सोलो तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो चलते हैं इसी प्रेरणा के साथ आपसे विदा लेते हैं हम लोग। प्रेरणा कहाँ है? रुक मत, भावनाओं को समझ। भावना कौन है? मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूँ यहाँ से। सावधान रहे, सतर्क रहे, जुड़ा की तालाब से रात को सावधान रहे, सतर्क रहे, देखते रहे। सोलो ट्रिप मेरा तो रंगीन कर दिया, मजा आ गया। कौन रह गया बे गुंदन भाई? शाहरुख खान बाय बाय, नाइस टू मीट यू। अरे आप भी तो जा रहे हो, कल मिलेंगे ना? मुश्किल है, आपसे मिलकर अच्छा लगा। हाँ जी भाई, बाय बाय बाय। अकेले आया था, अकेला रह गया, मजा आएगा। हाँ बिल्कुल ही आ जाएगा। कहाँ से आप? पानीपत। नहीं नहीं मैं दिल्ली से नहीं हूँ। क्या नाम है आपका? मोहित सर। मोहित सोलो है अभी? सोलो है। अरे क्या भाई, कितने लोग मेरे को सोलो मिल रहे हैं इस क्रिकेट। हाय हेलो शरण, आपका भी आपने यहीं पे स्टे किया है? हाँ हाँ। तो अभी फिलहाल मैं टेंट में, अपने वैसे बात करूँ, मैंने टेंट का कभी प्रॉपरली बताया नहीं होता क्या। ये जो आप पाउच देख रहे हैं ये वेंटिलेशन के लिए होता है। आप बाहर से अगर आते हैं जब, तो यहाँ पर आप अपने शूज जो स्टिक पोल्स होती हैं वो आप यहाँ पर रख सकते हैं, एंड देन उसके बाद ये जब कवर कर लेता है जिप लगा के, ये देखो। तो यहाँ पर आप सामान प्रॉपर्ली रख सकते हैं, बिकॉज कैंप सिर्फ एक साइड से ही आप अंदर बाहर जा सकते हैं। स्लीपिंग बैग में पहले आपको ये पहनना पड़ता है, देन उसके बाद आपको एक और लेयर लेनी पड़ती है जो है स्लीपिंग बैग की। मेरे को जाने से पहले काफ़ी सारे लोगों ने ये पूछा जब तो क्यों रुक रहा है। एक तो पहली बात, मैंने 5 रातें अपनी बुक करी हैं, ठीक है, तो मैं अपना एक दिन वेस्ट क्यों करूं या फिर मैं एक दिन पहले वापस क्यों जाऊं। दूसरी बात, पैसे दिए हैं तो पूरे वसूलूंगा। तीसरी बात यह है कि बार बार यहाँ पर आने का मौका तो मिलेगा नहीं, तो इसलिए मैं यहाँ पर रुक गया। दूसरी, और नॉर्मली जब आप इतना बड़ा ट्रैक करते हैं तो इट्स बेटर कि आप रुक जाएं एक दिन, लंच करो, रिलैक्स करो, खेलो कूदो, उसके बाद फिर यहाँ से अगले दिन संकरी के लिए निकल लो, वो ज़्यादा बेटर रहता है मेरे अकॉर्डिंगली। किसी के पास टाइम नहीं होता तो फिर वो अपने दिन कम कर लेता है। एंड देखते देखते बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है। अब मेरे को नहीं पता कि ये डिसीजन मैंने सही लिया या नहीं, बट फिलहाल स्नैक्स का बुलावा आ गया तो फटाफट जा रहे हैं, बिकॉज बारिश भी हो रही है, तो फटाफट खाते हैं और चलते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्या बनाए भैया आज आपने? अरे मैकरोनी है आज तो। अरे दूध वाली बहुत आज होने वाली है, खड़का खड़की तगड़ी। क्या मुझे मौसम देख के दो स्टार्ट कर लो ब्रो, अगर बारिश गिरेगी तो फिर स्नोफॉल जरूर है 100%। निकाल तू, क्या देख रहे हो? ठंडा हो रहा है। सुबह तक पूरा वाइट होने वाला है। एक स्नो फॉल जब बेस कैंप में तो नहीं मिली। सब पोंचो पहन के बाहर आ चुके हैं। फिलहाल बात ऐसी है कि स्नोफॉल के बाद हम सब अंदर टेंट में आ गए थे, एंड अभी बस डिनर किया है एंड गेस व्हाट, मेरे को स्वीट डिश में जलेबी मिली है। लिटरली हैट्स ऑफ यार, हिमालयन हाइकर्स ट्विस्ट एंड टूर्स इनके पैकेजेस हैं, और जो इनका खाना बहुत बढ़िया, हर रोज़ अलग अलग डिश है। समिट बहुत बढ़िया था, एक्सपेक्ट
बिल्कुल भी नहीं किया था कि हम जाएंगे, बिकॉज जो मौसम ख़राब हुआ था और स्नोफॉल हुई थी तो हमने तो उम्मीद छोड़ दी थी। हमारे मुंह हमारे हाथ इतने ज़रा जम गए थे कि हम फोटोज़ भी नहीं खींच पाए। सबकी मुश्किल से बहुत ही कम फोटोज़ आई हैं। फोटोज़ न्यू एक्सपीरियंस मैटर करते जो आप वहाँ जाके लेते हैं। बाकी अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट करके मुझे बताओ कि मैं क्या कर सकता हूँ अपनी वीडियो को अच्छा और करने के लिए। और जहाँ तक सब्सक्राइब की बात है वो आपके ऊपर है, बट मुझे अच्छा लगेगा अगर आप सब्सक्राइब करेंगे। तो आपसे मैं अगले ब्लॉग में मिलता हूँ, चलो बाय बाय। फिलहाल व्लॉग एंड करने के बाद जो स्नोफॉल है वो हद से ज़्यादा बढ़ गई, एंड उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं थी कि इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि हमें अपना टेंट छोड़ के यहाँ पर लॉन्च में आना पड़ेगा, जो इनफैक्ट अभी प्रॉपरली दिख भी नहीं रहा क्योंकि स्नो लिटरली इतनी मोटी हो चुकी है, लाइक मेरी एक उंगली जितनी। एंड कल कैसे मैं जाऊँगा नीचे, नो आइडिया। और जो लोग यहाँ पर हैं वो कैसे ऊपर जाएंगे वो भी कोई आइडिया नहीं है। शाम को स्नोफॉल पड़ी थी, वो पूरी रात पड़ी, एंड ये हाल हुआ मेरे टेंट का, इनफैक्ट सारे टेंट का। और यहाँ पर हम सारे रुके थे,